expert, Dr. Umang Khanna. Dr. Saab, welcome to our show. और दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे कि आज हम बात करने जा रहे हैं बवासीर यानी कि पाइल्स के बारे में। और अगर देखा जाए तो पाइल्स की समस्या बहुत ही कॉमन है और हमारे देश में दिन पे दिन लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए बवासीर के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है। जी हाँ, बवासीर क्या है, क्यों होती है, कैसे बचा जाए और आखिर इसका इलाज क्या है, इन्हीं तमाम पहलुओं को समझने के लिए आइए चलते हैं डॉक्टर के साथ। डॉक्टर साहब, पाइल्स के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले मैं ये कहना चाहेंगे, जिससे आपने बात शुरू करी, इसका जानकारी इसका बचाव है, क्योंकि बेहतर है आपको पाइल्स ना हो, और वो तभी नहीं होगा जब आप सारी जानकारी उसके बारे में ले लेंगे और उसको इम्प्लाई करते रहेंगे। सबसे पहले साथियों, समझ लें पाइल्स होता क्या है। तो दर्शकों, सबसे पहले पाइल्स जो है, आपका जो रेक्टल पोर्शन होता है यानी इंटेस्टाइन का जो टर्मिनल पोर्शन होता है आंतों का, उसमें जब स्वेलिंग आ जाती है, टिश्यू में इन्फ्लेमेशन आ जाता है, उसमें तमाम मसल फाइबर, डेड सेल्स या सब डिपॉजिट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं और वो इन्फ्लेमेशन कॉज कर देते हैं, उस कंडीशन को पाइल्स कहते हैं या हिमरॉइड्स कहते हैं। पाइल्स दो तरह का होता है, एक्सटर्नल इंटरनल। और हम आपको अपने एक्सपीरियंस से, तजुर्बे से बता दें कि परिवार में जो अपने दर्शक सुन रहे हैं, इस बात से वो इत्तेफाक रखते होंगे कि किसी ना किसी को परिवार में पाइल्स की यानी बवासीर की यानी कि स्टूल पास करते वक्त, पखाना जाते वक्त, मोशन करते वक्त आपके पेन होता है और तर्स बनी रहती है और उसके कारण पेन होता है। यह स्थिति आप में से किसी ना किसी के हर परिवार में जरूर होगी। बस यही पाइल्स है। कई तरह का होता है, बहुत लोगों के ब्लड आता है, बहुत लोगों के म्यूकस आता है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन मैं आपको बता दूं, पाइल्स से रिलेटेड ब्लड तब आता है जब वो ब्लड फ्रेश हो। अगर आपके मोशन के साथ, स्टूल के साथ फ्रेश ब्लड आ रहा है, ताज़ा खून आ रहा है, तो समझ लीजिए वो पाइल्स का ही ब्लड है या पाइल्स के कारण ही वो ब्लड आ रहा है। उसके साथ ही एक म्यूकस पाइल्स होता है, जब आपके मोशन में आव आती है, जब आप मोशन जाते हैं, स्टूल पास करते हैं, तो उसका एक म्यूकस आती है, तो इसको जो है वह हम लोग म्यूकस पाइल्स कह देते हैं। होता ये चार तरह का है, इंटरनल, उन्हें चार ग्रेड होते हैं, ग्रेड वन, ग्रेड टू, ग्रेड थ्री, ग्रेड फोर, जिसको अभी हम आपको विस्तार से बताएंगे। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी पाइल्स के बारे में दी। जी हाँ दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब ने आपको जो इम्पोर्टेंट जानकारी दी है, आप इस जानकारी का पूरा पूरा लाभ उठाएंगे और स्वस्थ रहेंगे। और अब हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आपको ले चलते हैं वहाँ जहाँ आप हमसे फोन के जरिए रब्ता कायम कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ कर परेशानियों को दूर कर सकते हैं, यानी हेलो डॉक्टर। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा लाइव फोनिंग प्रोग्राम है और आज का विषय हमने लिया है बवासीर यानी कि पाइल्स। आज के विषय से जुड़ा अगर आपका भी कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं या कोई जिज्ञासा है, आप हमें फोन भी कर सकते हैं। फोन करने के लिए जल्दी से कागज और कलम उठाइए और नोट कीजिए फोन नंबर्स। फोन नंबर्स इस प्रकार से हैं 0522-220-5756, दूसरा नंबर 0522-228-8698। फोन आप जरूर करें, लेकिन फोन करने से पहले टीवी सेट की आवाज को थोड़ा सा कम कर दें और सवाल को संक्षिप्त रखें। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर उमंग खन्ना। डॉक्टर साहब, ये तो हमने समझ लिया कि बवासीर क्या है, लेकिन हम आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आखिर बवासीर हो क्यों जाती है। ये सवाल भी बहुत बेहतर है दर्शकों, बवासीर होती क्यों है, अगर आप ये जान लेंगे तो आपको बवासीर होगी ही नहीं। अच्छा। वास्तव में आप एक कदम आगे नहीं बढ़ेंगे कि आपको बवासीर हो। तो बवासीर होती तब है जब आपका लाइफ स्टाइल सेडेंट्री हो जाता है, आपका दिन भर बैठे रहने का काम होता है। अगर आप लगातार बैठे रहते हैं तो बहुत संभावना है आपके रेक्टम के टर्मिनल पोर्शन में आपके जोर पड़ेगा और वह स्वेल कर जाएगी और वही पाइल्स है। तो एक हो गया आपका लगातार काम करना, बैठे रहना। दूसरी बात हो गई कॉन्स्टिपेशन। अगर आपके लगातार कब्जियत बनी है
तो वो सारी कब्जियत का जो बैड इफेक्ट है सबसे ज्यादा आपके टर्मिनल पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन यानी रेक्टम में आता है और उसका इन्फ्लेमेशन को, टिश्यू के इन्फ्लेमेशन को कॉज कर देता है। तीसरी चीज होती है डायरिया, लगातार आपके डायरिया बना है, स्टूल पास हो रहा है, लगातार आपको मोशन हो रहे हैं और ये आपकी उसमें दिनचर्या में शुमार हो गया है, तो आपको पाइल्स बहुत जल्दी होगा, इसलिए अगर आपको डायरिया हो तो आप इसको तुरंत कंट्रोल कर लें। चौथी बात आती है वेट लिफ्टिंग, अगर आप भारी सामान उठाने का बहुत ज्यादा काम करते हैं तो भी हो सकता है आपको पाइल्स हो जाए, क्योंकि भारी सामान उठाने से आपके जो एब्डोमिन है उस पर बहुत ज्यादा जोर पड़ता है और वो पाइल्स की संभावना व्यक्त करता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में अक्सर महिलाओं को पाइल्स हो जाता है लेकिन वो वक्त के साथ कुछ महीने में ठीक हो जाता है। तो यह प्रमुख कारण हो गए पाइल्स के, जिसमें कब्जियत, डायरिया, भारी वजन उठाना, पेट का साफ ना रहना, यह सब मुख्य कारण है और आपका बैठे बैठे हर समय काम करना। जी जी डॉक्टर साहब, इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए हैं, वो आपसे कुछ जानना चाहते हैं। हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। हाँ नमस्ते मैडम, मेरा नाम नंदसुन भाई, बाराबंकी गांव बसौली पड़ता है। मैं जानना चाहता हूँ जो ये बवासीर होती है, एक बाटी होती है, एक खूनी होती है, तो ये दोनों बवासीर से बचने के लिए हमें कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, कान मान पे कौन सा सावधानी बरतनी चाहिए जिससे इससे हम बच सकें। जी नंदस्वरूप मिश्रा जी, हमने आपके सवाल को सुन लिया है और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारा पूरा कार्यक्रम देखते रहेंगे और आपको सभी सवालों के जवाब मिलते रहेंगे। डॉक्टर साहब बताइए, ये हमारे रेगुलर कॉलर हैं। बहुत बढ़िया चीज आपने बात नंदस्वरूप जी पूछी। मैं आपको बताऊं कि इसको डिफ्रेंशिएट ना करिए कि म्यूकस का है कि ब्लडी है, पाइल्स हो क्यों, बात यह है हम लोग ऐसा क्या करें जो पाइल्स ना हो। जी तो सबसे बड़ी चीज है नंद जी कि आप पानी बहुत पीजिए। आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन मैं बहुत सही बात आपको बता रहा हूँ, अगर आप प्लेंटी ऑफ वाटर इनटेक करते हैं, काफी पानी पीते हैं, तो यकीन मानिए आपको पाइल्स नहीं होगा। दूसरी बात, रात का खाना आप जल्दी खा लीजिए, आजकल का दौर है, आए पार्टी में गए, रात में खाना खाया, 11 बजे पार्टी में गए, खाना खाया, घर आए, ना ब्रश करा ना कुछ, आके सो गए। महिलाएं तो मेकअप भी नहीं उतारती हैं, ऐसे ही सो जाती हैं। तो जो है आप आए रात में इतना डिनर ना लें, कोशिश करें जो आजकल तो शादी में वैरायटी ऑफ फूड होते हैं, हल्की चीज खा लें, यानी रात का खाना जल्दी खा लें, अगर हो सके तो 7-8 बजे तक खाना खा लें, नहीं तो 8 बजे से देर ना करें। दूसरा साथियों, जो मैदे का चलन बहुत चल गया है, हम लोग के बच्चे इससे सबसे ज्यादा इफेक्टेड हैं, मैदे का जो चलन चल गया है, हमको मल्टीग्रेन आटा खाना है। आज हम लोग वीट बहुत ज्यादा खा रहे हैं और आपको मैं बताऊं विदेशों में वीट बंद हो रहा है, विदेशों में लोग मल्टीग्रेन बेसन बाजरा जौ चना ये मिले हुए आटे जिसमें फाइबर ज्यादा हो, तो यह आपकी कब्जियत को खत्म करेगा, क्योंकि कब्जियत भी एक बहुत बड़ा कारण है पाइल्स के होने का। तो अगर आपकी कब्जियत दूर रहेगी तो ना आपको म्यूकस पाइल्स होगा ना आपको ब्लडी पाइल्स होगा। उसके अलावा आप जो है वो फ्रूट्स का सेवन बहुत करें जी। फल ऐसी चीज है जो आपके बॉडी में किसी भी प्रकार का बैड इफेक्ट नहीं डालते हैं। और यूरिया में एक चीज बताएं, आप लोग भी इससे वो रखेंगे अपना इत्तेफाक कि हम लोग का गेहूं और वो सब तो यूरिया में बन सकता है लेकिन जैसे अन्य प्रदेशों में पहाड़ी एरिया में फल होते हैं तो वहां पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड से थोड़ा दूर रहते हैं जी। तो अगर आप उन फल का सेवन करें जिसमें कि सेब हो गया, एप्पल हो गया, अनार हो गया, अमरूद हो गया, अमरूद जो है आपके पेट का टॉनिक है जी। आप अमरूद का सेवन बहुत करें, इन चीजों का अगर आप सेवन करते हैं तो आपके कब्जियत नहीं होगी और कब्जियत नहीं होगा तो पाइल्स नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा जवाब दिया है, थैंक्स फॉर कॉलिंग। नेक्स्ट कॉलर, हेलो 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 जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राम सुरेश है जी, क्या जानना चाहते हैं, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। जी मैम नमस्कार, मेरा क्वेश्चन है, मुझे 20 साल पहले मस्सा हुआ था। क्या हुआ था आपको 20 साल पहले? मस्सा हुआ था। ओके ओके जी, वो उसका मैं ट्रीटमेंट कराया लेकिन अभी हफ्ता और पहले मुझे खून आ रहा था जी, तो मैं सर्जन के पास गया, उसने दवा लिख दिया एक हफ्ते का, बोला खाओ ठीक हो जाएगा, ठीक तो हो गया लेकिन हमें परेशानी थोड़ी सी महसूस होती है। परिवर्तन नहीं कर पाएंगे तो आप ठीक नहीं हो पाएंगे, आप
कुछ जो बातें अभी हमने बताई, आप खूब पानी पीजिए, रात में जल्दी खाना खा लीजिए, वॉक पे जरूर जाइए और फाइबरस फूड लीजिए, और खाने में दही का इस्तेमाल जीरा पाउडर डाल के करिए, तो आपकी स्थिति नहीं आएगी। अब बात आती ब्लड की, आपके स्टूल में ब्लड आ रहा है, तो ब्लड रोकने के लिए होम्योपैथी में 3 बहुत कारगर दवाएं हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आप नोट कर लें, आपका जो है इसके बाद ब्लड नहीं आएगा। सबसे पहली दवा है सल्फर। सल्फर 1000 पावर में एक खुराक आप वीकली ले लें, यानी हर हफ्ते ले लें, आज बुध का दिन है तो हर वेडनेसडे आप ले लें, एक दिन हफ्ते में ले लें। साथ में हेमेमिलिस 30, हेमेमिलिस 30 दो बूंद दिन में 3 बार सीधे जुबान पे ले लें, और उसके साथ में आप कोलिन सोनिया COLLINSONIA कोलिन सोनिया 30 दो बूंद दिन में 3 बार जोड़ लें, आपका ब्लड आना रुक जाएगा और आप अपनी कब्जियत को और पुराने लाइफस्टाइल को बदलने का प्रयास करें, आप पूर्णतया सही हो जाएंगे। जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। डॉक्टर साहब, आपने हमें कारण बताए, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे क्या अनुवांशिक कारण भी हो सकता है, यानी कि माता पिता को अगर पाइल्स की समस्या है तो बच्चों में हो सकती है? ऐसी संभावना बहुत कम होती है, ना होती है, ये लाइफ स्टाइल डिजीज है, ये हमारे रहन सहन, हाँ। हम इसको खुद ही पैदा करते हैं। ओके, तो डॉक्टर साहब, लक्षणों को पहचान लेना बहुत जरूरी है, किस तरह के साइन एंड सिम्टम हो तब ये समझना चाहिए कि भाई फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही बात मैडम आपने कही। अगर आपके एनस रीजन में, अगर आपके जो है मोशन पास करने के एरिया के रीजन में इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, पेन हो रहा है, बर्निंग हो रही है, स्टूल बहुत हार्ड हो रहा है और स्टूल के साथ म्यूकस या ब्लड आ रहा है और आपको मस्से महसूस हो रहे हैं, मस्से हो सकता है आपको महसूस हो, हिमरॉइड्स हो सकता है ना महसूस हो। यहाँ पे मैं इस बात को जोड़ देना चाहूंगा, 4 ग्रेड पाइल्स के होते हैं, हमारे दर्शक खुद उसको असेस कर सकते हैं इन चारों ग्रेड को। एक ग्रेड होता है जिसमें आपको महसूस ही नहीं होता कि आपके कोई मस्सा है, वो मस्से इंटरनल होते हैं, वो ग्रेड 1 पाइल्स होता है। ग्रेड 2 पाइल्स होता है जब आप मोशन करते हैं तो मस्से उसके साथ बाहर आते हैं, और फिर जब आप उठते हैं शौच करके तो वो मस्से अपने आप अंदर चले जाते हैं। तीसरी स्थिति होती है कि जब आप मोशन जाते हैं और आपके मस्से बाहर आते हैं और वो आप बाहरी रहते हैं, आप हाथ से उसको अंदर करते हैं, फिंगर टिप से अंदर करते हैं, वो अंदर हो जाते हैं। और चौथी स्थिति ग्रेड 4 जो साथियों एक सर्जिकल स्थिति होती है, वो यही होती है कि जब आपके मस्से बाहर लटक रहे हैं और वो आपके फिंगर से भी आपके फिजिकल फोर्स लगाने के बावजूद भी वह मस्से अंदर नहीं जा रहे हैं। जी हाँ, अगर आपको इस तरह के लक्षण नजर आते हैं तो फौरन डॉक्टर से कांटेक्ट करें। अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है, घबराएं बिल्कुल नहीं, फौरन डॉक्टर से कांटेक्ट करें। और इस वक्त एक कॉलर लाइन पे है। हेलो, हेलो जी, स्वागत है आपका, पूछिए सवाल। मैम, मेरा ये सवाल है कि बवासीर के लक्षण क्या होते हैं, इससे किस प्रकार बचाव किया जा सकता है? बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपको लक्षण बता रहे थे, शायद आप सुन नहीं पाए, डॉक्टर साहब शॉर्ट में एक बार फिर से बता दीजिए। बिल्कुल, लक्षण इसके वही साहब, अगर आपके एनल रीजन में इचिंग हो रही है, खुजली मच रही है, दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, ब्लड या म्यूकस दोनों में से कोई चीज आ रही है या दोनों आ रही है, तो आप समझ लें कहीं ना कहीं पाइल्स की स्थिति है, उसमें आपको मस्सा भी महसूस होगा। जी, फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। लक्षणों की तो बात हमने कर ली, अब हम जानना चाहेंगे कि जांच कैसे करते हैं। इसकी जांच बहुत आसान है, पहले तो जो मरीज है वही बता देता है कि साहब हमारे मस्से हैं। जी, हमारे मस्से हैं, मस्से निकले हैं, और वो ये भी स्थिति बता देता है कि वो मोशन करता है तो मस्से बाहर आते हैं, खुद चले जाते हैं, या वो उंगली से करता है या वो नहीं जाते हैं। जी, तो एक तो ये स्थिति हो गई, दूसरा आप किसी भी कुशल चिकित्सक के पास जाएंगे, वो उसको हाथ में ग्लव्स पहन के आपको फिंगर को इंसर्ट करके एनस में अंदर मस्सों को पैल्पेट कर लेगा और उसी स्थिति में आपको बता देगा कि आपको पाइल्स है कि नहीं है। बाकी कोलोनोस्कोपी वगैरह तमाम चीजें हैं जो रेक्टम को एनालाइज कर लेती हैं और आपको और डिटेल में बता देती हैं और डिफरेंशिएट कर देती हैं। जी, तो डॉक्टर साहब, जांच के बाद जब ये लेबल लगा दिया गया भाई फलां शख्स को पाइल्स की दिक्कत है, तो फिर बात आती है इलाज की, तो हम रुख करते हैं इलाज की तरफ। आप हमें ये बताइए कि इलाज के कौन कौन से ऑप्शन हैं? इलाज के तमाम विकल्प मौजूद हैं आपके पास। अगर जैसे मैंने कहा ग्रेड 4 पाइल्स है तो आपके पास, मैं बताऊं दर्शकों को बिल्कुल सही बात, एलोपैथी के अलावा कोई विकल्प नहीं है, आपको उसकी बाइंडिंग करानी है मस्से की। बाइंडिंग कराने से क्या करते हैं डॉक्टर्स, आपकी उस एरिया की ब्लड सप्लाई को रोक देते हैं। जब ब्लड सप्लाई रुक जाती है, इसको आयुर्वेद में शायद
छार विधि कहते हैं, सूत्र छार विधि कहते हैं, ऐसे कुछ छार सूत्र के द्वारा, छार सूत्र के द्वारा, तो वो बाइंडिंग कर देते हैं आपके जो है वो उसको ब्लॉक कर देते हैं वहां के ब्लड सप्लाई को। जब कहीं भी बॉडी के पार्ट में ब्लड नहीं जाएगा तो वो चीज सड़के गिर जाएगी जी। उसके अलावा साथियों आयुर्वेद में तमाम उपाय हैं, बहुत लोग करते हैं, और होम्योपैथी में मैं एक होम्योपैथ की स्पेशलिस्ट से कह सकता हूँ कि हैसियत से कह सकता हूँ कि होम्योपैथी में इसके बहुत अच्छे उपाय हैं और बहुत अच्छी दवाएं हैं जो आपको जड़ से ठीक कर देती हैं। और तीनों विधियों में एक कॉमन बात है, आपको अपने लाइफ स्टाइल को बदलना पड़ेगा, जो मैं शुरू से इस प्रोग्राम में बार बार कह रहा हूँ क्योंकि मैं पेशेंट का दर्द देखता हूँ जी। यानी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एंड फॉर क्योर आल्सो प्रिवेंशन इज रिक्वायर्ड जी। तो डॉक्टर साहब आपने जैसा कि इलाज के कई ऑप्शन बताए, सभी चिकित्सा पद्धतियां उपलब्ध हैं, कारगर इलाज उपलब्ध है, और आज के दौर में मेडिकल साइंस इतनी ज्यादा तरक्की कर चुकी है कि इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि भाई इसका इलाज ही नहीं है, बहुत ही आसान सरल इलाज है। इसके अलावा डॉक्टर साहब लोगों की ये शिकायत रहती है कि भाई हमने सर्जरी कराई थी पाइल्स की, लेकिन कुछ सालों तक तो ठीक रहा लेकिन उसके बाद दोबारा हो गया, क्या ऐसा भी होता है? ऐसा बिल्कुल होता है, और वो उन लोगों में होता है जो लोग अपने को बदलने को तैयार नहीं है। अच्छा, और ये मैं एलोपैथी की बात नहीं कर रहा, सर्जरी की बात नहीं कर रहा, होम्योपैथी से हमारे क्लिनिक पे मरीज सही हो जाएगा उसको भी फिर से पाइल्स होगा, आयुर्वेद से कोई सही हो जाएगा उसको भी पाइल्स होगा, जब तक आप उन कारणों को दूर नहीं करेंगे जिनसे पाइल्स हो रहा है। तो ये तो निश्चित है कि आप अपना लाइफ स्टाइल पाइल्स होने के बाद किसी भी इलाज के दौरान और इलाज डिसकंटिन्यू होने के बाद दोनों स्थिति में आपको बदलना पड़ेगा। डॉक्टर साहब इलाज की तो आपने बात कर ली, मान लीजिए किसी ने सर्जरी कराई है उसके बाद उन्हें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि दोबारा से उसको ये समस्या ना हो, चाहे वो खान पान की बात हो या एक्सरसाइज की बात हो या लाइफ स्टाइल की बात हो। तीनों चीजों का इसमें रोल है, खान पान की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि आपका इंटेस्टाइनी का टर्मिनल पार्ट इफेक्ट होता है जब आपको पाइल्स होता है, अगर आप उस पर दोबारा जोर डालेंगे उन्हीं हैबिट से, जब आपकी कब्जियत रहने लगे, जब आपके गैस बनने लगे, जब आपके मोशन क्लियर ना होता हो, दो दो चार चार दिन ना होता, तो आपको तकलीफ होगी। तो आपको जो है खाना बहुत सादा खाना है, और मैं यहाँ एक चीज और बताऊं कि आजकल एक फैशन और चला है कि खाने में वैरायटी ऑफ फूड्स, ठीक है, वैरायटी ऑफ फूड से आपको बहुत तरह के मल्टी विटामिन और मिनरल्स मिल रहे हैं, लेकिन आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंफ्यूज हो रहा है। तो मेरी राय ये है, मेरा अपना मत ये है, और मैंने इसको देखा भी है क्लिनिक पर, कि आप वैरायटी ऑफ फूड्स खाएं लेकिन अपने मील्स को बदलें, एक मील में सब कुछ ना लें। अच्छा, जैसे कि शादियों में आजकल जो बड़ी अच्छी शादियां होती हैं उसमें 20 तरह का खाना वेटर सामने ला के रख देता है और हम लोग 20 का थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप जितने भी खाने के शौकीन हो, लेकिन आप उसमें से कुछ चीज लें ताकि आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को कंफ्यूज ना करें, फिर अगले मील में आप दूसरी चीज ले लें। यानी कि जैसे 7 दिन है, 7 दिन दालें अलग अलग बनाएं, एक ही दाल ना बनाएं, तो इस तरह चेंज करें। ये तो हो गई खान पान की बात। एक्सरसाइज आपने बोली दिया, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन में, दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, पेरिस्टाल्सिस होती, मूवमेंट होता है, वो तब ज्यादा होता है जब आप चलते हैं, तो चलना बहुत जरूरी है। तो मैं आपसे कहूंगा सुबह 1 घंटा अपनी जीवन के लिए दें, चीजें आएंगी चीजें जाएंगी, ये देश चलेगा, महान देश है भारत हमारा, ये चलता रहेगा, लेकिन हमें आपको 1 घंटा अपने लिए देना है, जब हम वॉक करें, गहरी सांसें लें, पानी को पिए और अपने जीवन को खुशी से उस 1 घंटा सुबह सूर्योदय के टाइम पे उसको एंजॉय करें जी। उसके बाद साथ ही तीसरी बात मैंने, पानी बहुत पीना है। पानी पीते रहेंगे तो आपको पाइल्स नहीं होगा क्योंकि बॉडी की टॉक्सिसिटी आपकी निकलती रहेगी। चौथी बात हो गई, खाने के साथ दही का इस्तेमाल जरूर करें। दही का इस्तेमाल जीरा पाउडर या अजवाइन डाल के, इस तरह की जो स्वास्थ्यवर्धक चीजें होती हैं उसको डाल के करने से आपको बहुत फायदा होता है। पांचवी बात हम आपको बताएं कि हो सके तो तांबे के बर्तन का, आपको थोड़ा अजीब लग, थोड़ा सा महंगा प्रपोजिशन है ये, लेकिन जान है तो जहान है जी। तो मैं दर्शकों से कहूंगा अपने कि तांबे का, कॉपर का यूज थोड़ा सा अपने घर में शुरुआत करें। मुझे नहीं पता आप लोग कौन कितना खरीद पाओगे, लेकिन एक गिलास तो सब लोग ले सकते हो, इस बात से आप इत्तेफाक रखोगे। तो तांबे का एक जग और एक गिलास लें, तांबा या कॉपर का यूटेंसिल आयुर्वेद के हिसाब से आपके पेट को बहुत लाभ देता है जी। और रात का खाना जल्दी खा लें और हल्का खा लें जी। जैसे वो अंग्रेजी में कहावत है, ब्रेकफास्ट लाइक अ प्रिंस,
लंच लाइक अ किंग जी एंड डिनर लाइक अ बेगर जी जी, तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ अर्थ रखते हैं, इन अर्थों को समझे आप हमेशा ठीक रहेंगे। जी हाँ, हमारे एक्सपर्ट का कहना है कि स्वस्थ जीवन शैली अपना स्वस्थ जीवन पाए। डॉक्टर साहब, हेलो डॉक्टर का समय समाप्त हो रहा है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल मैं पूछना चाहूंगी। आमतौर पे देखा जाता है कि लोग जब पेपर आता है, न्यूज़पेपर, अखबार, वो टॉयलेट में बैठ करके घंटों पढ़ते हैं, क्या इतनी देर तक बैठने से भी दिक्कत हो सकती है? निश्चित रूप से मैम दिक्कत हो सकती है। हाँ। बिल्कुल, ये पाइल्स का कॉज होता है। अगर जरा ज्यादा देर आप मोशन के लिए बैठे हुए हैं, उपड़ू बैठे हुए हैं, तो वो पाइल्स का वास्तव में कॉज हो सकता है। पेपर आप पढ़े लॉन में, आजकल अच्छी व्यवस्था सरकार ने करी, तमाम पार्क सवर गए हैं, आप लोग पार्क्स में बैठें और पेपर पढ़ें, निकल जाएं घर से टहलने। लेकिन जब आप मोशन पास करने जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, तो आप वहां ज्यादा देर ना गुजारें, वहां से जितनी जल्दी निकले। और इसके साथ में और जोड़ दूं, कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, एक वो भी दौर चलता है। तो ये दोनों चीजें बहुत हानिकारक है, और अखबार तो वास्तव में हानिकारक है। कहीं आप दूसरों की खबर करते करते कहीं अपनी खबर ना बन जाए, इसलिए आप अखबार को लॉन में पढ़ें, टॉयलेट में नहीं। बहुत ही अच्छी जानकारी दी है डॉक्टर साहब। आप स्वस्थ तो देश स्वस्थ। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, आप स्टूडियो में आए और व्यूवर्स को इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी बाबा सीख के बारे में दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, और दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोग के इतनी देर साथ रहे। और दर्शकों, कार्यक्रम के अंत में हम आपसे इतना जरूर जानना चाहेंगे कि आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई जानकारी या सुझाव है, आप हमें खत जरूर लिखें। खत लिखने के लिए नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता सेहत आपकी, कमरा नंबर 204, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। आप हमें खत जरूर लिखें, हमें आपके खत का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और कार्यक्रम के आखिर में हम आपसे इतना जरूर कहेंगे कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, और हम आपको सेहत से जुड़ी जानकारी इसी तरह लगातार देते रहेंगे, क्योंकि डीडी यूपी को है परवाह स्वास्थ्य की, हम लाए हैं सेहत आपकी। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।